हाय दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव गुरुकुल में तो फ्रेंड्स आज मैं ई एस आई सी एम टी एस के आपके लिए इंग्लिश से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ इसमें आपको क्या है आपको इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप देख सकते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एव एरर्स इसमें एरर्स फाइंड आउट करना है आपको बताना है कुछ जो करेक्ट है वो वो भी इसमें दिया हुआ है आपको बताना है कि जो सेंटेंस है उसमें एरर कहाँ पे है आपको बताना है एंड ब्लैक इन द सर्कल कॉरेस्पॉन्डिंग द तो आपको टिक मारना है जैसे ऑप्शन में आपको रहेगा ए में गलती है बी में गलती है सी में गलती है आपको बताना है ठीक है चलिए तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर तो पहला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है थैंक गॉड देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है थैंक गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ देखिए क्या कह रहा है भगवान को धन्यवाद कर रहा है कि आपका फैमिली और आप जो है सुरक्षित है तो देखिए थैंक्स जो लगा है ना थैंक्स अगर लगता है तो थैंक्स के बाद टू आना चाहिए क्या आना चाहिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो गलती है वो ए में गलती है क्या गलती है ए में गलती है ठीक है ए आपका रॉन्ग है यहाँ पे थैंक्स टू गॉड होगा नहीं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे थैंक गॉड करेंगे अगर थैंक्स लगेगा तो इसके साथ प्लस हम लोग क्या करेंगे टू भी ऐड करेंगे क्या करेंगे टू लिखेंगे थैंक्स टू गॉड यूर फैमिली एंड यू आर सेफ या थैंक गॉड समझ में आ गया चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द पैसेंजर्स वे आर आस्कड टू केयरफुली गेट डाउन ऑफ द ट्रेन देखिए पैसेंजर्स को क्या कहा गया कि ध्यानपूर्वक क्या हो जाए ट्रेन से उतर जाए ठीक है तो फ्रेंड्स यहाँ नीचे उतरने के सेंस में कह रहे हैं तो जहां नीचे उतरना है ना तो या तो आप गेट डाउन यूज कीजिए या गेट ऑफ यूज कीजिए दोनों यूज नहीं होगा या तो यहाँ पे गेट डाउन हो जाएगा या डाउन को अगर हटा दे तो गेट ऑफ हो जाएगा ठीक है तो रॉन्ग कहाँ हो गया यहाँ सी में हो गया ठीक है क्योंकि गेट डाउन का भी मतलब नीचे उतरना होता है गेट ऑफ का भी मतलब नीचे उतरना होता है तो गेट डाउन ऑफ कोई सेंटेंस नहीं है इसलिए आपका क्या हो गया सी में एरर है यहाँ क्या हो जाएगा गेट ऑफ द ट्रेन या तो गेट डाउन द ट्रेन हो जाएगा चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर यू विल नॉट बी एबल टू पे योर रेंट क्या कह रहा है अगर आप मनी ऑर्डर रिसीव नहीं कीजिएगा जब तक तब तक आपको कोई भी रेंट नहीं मिलेगा यू विल नॉट बी एबल टू पे रेंटी आप कोई भी रेंट को पे नहीं कर पाएगा देखिए यहाँ पे कोई अलग नहीं दिख रहा है यहाँ कोई गलती नहीं अनलेस यू रिसीव द मनी ऑर्डर यू विल नॉट बी एबल टू पे यू रेंट आपका यहाँ नो एरर है इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वी यूजली हैव हाँ द लंच एट ट्वेल्व क्या कह रहा है वी यूजली हैव हाँ द लंच एट ट्वेल्व तो क्या हो, जाएगा वी यूजली मतलब हम हमेशा जो है ना लंच जो लेते हैं कितना बजे बारह बजे लेते हैं तो वी यूजली हैव द लंच ठीक है एट ट्वेल्व तो हैव यहाँ पर दी का प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स दी के जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर आवर लंच हो जाएगा हैव आवर लंच ठीक है क्या करें वी यूजअली हैव आवर लंच ठीक है हमारा यहाँ वी यूज़ किया है ना वी सब के लिए यूज़ किया है तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आवर लंच हो जाएगा ठीक है वी यूजली हैव आवर लंच एट ट्वेल्व ठीक है तो यहाँ गलती क्या हो गया यहाँ आपका एर सी में हो गया ठीक है यहाँ पे द, दी के जगह क्या हो जाएगा दी के जगह आपका आवर का प्रयोग होना चाहिए या तो आप यहाँ पे दी का प्रयोग ना कीजिए एकदम खत्म कर दीजिए वी वी यूजली हैव लंच एट ट्वेल्व या दी को हटा के आप आवर कर सकते हैं चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे हो गया है पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है प्लीज टेल टू मी द स्टोरी ठीक है प्लीज टेल टू मी द स्टोरी आप ऐसे भी सिंपल अगर अगर कभी आपने इंग्लिश पढ़ा है तो आपको पता होगा टेल टू का भी प्रयोग नहीं होता है प्लीज़ टेल मी द स्टोरी होता है ठीक है क्या होता है प्लीज़ टेल मी द स्टोरी यहाँ पे जो टू है ना ये गलत दिया हुआ है ठीक है क्या दिया हुआ है गलत दिया हुआ है तो प्लीज़ टेल मी द स्टोरी यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी में आपका एरर है ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है ही इज नॉट एज स्ट्रोंगर एज हिज ब्रदर ठीक है वह जो है अपने भाई के तरह क्या है मजबूत नहीं है स्ट्रांग नहीं है ठीक है तो यहाँ एज स्ट्रोंगर देखिए स्ट्रांगर के साथ ना अगर स्ट्रोंगर यूज कर रहे हैं तो इसके साथ दैन का यूज होता है ठीक है लेकिन यहां जैसे यूज किया है आपका क्या एज स्ट्रांगर एज तो एज स्ट्रांगर एज नहीं होता है एज स्ट्रांग एज होता है ठीक है ही इज नॉट एज स्ट्रांग एज हिज ब्रदर ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर में आपका क्या है डिफॉल्ट है यहाँ पे क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है एरर है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है वन ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास हैव अ कार क्या कह रहा है हमारे कक्षा में एक लड़की है जिसके पास क्या है एक कार है ठीक है तो यहाँ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं वन ऑफ द गर्ल्स मतलब हमारे कक्षा में एक लड़की है ठीक है वन ऑफ द गर्ल्स एक लड़की है इन माई क्लास जिसके पास कार है तो यहाँ पे हैव नहीं होगा सिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा हैज़ हो जाएगा एक लड़की के बारे में कह रहा है सी के बारे में ठीक है मतलब एक लड़की के बारे में बता रहा है ना सिंगुलर है तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ क्या होता है यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर हो गया यहाँ पे आपका गलती हो गया साथ के आंसर नंबर आंसर बी हो जाएगा ठीक है चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन पे आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है माई स्कूटर इज बिंग सर्विस्ड सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाई वॉक क्या कह रहा है मेरा जो स्कूटर है मेरा जो स्कूटर है वो क्या गया है सर्विसिंग में के लिए गया है इसलिए मैं जो ऑफिस हूँ ना कैसे जा रहा हूँ वॉक टहल के जा रहा हूँ ठीक है कैसे जा रहा हूं टहल के जा रहा हूँ ओके तो यहाँ पे बाई वॉक जो है ना यहाँ पे बाई वॉक नहीं होगा यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे वॉकिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा वॉकिंग इसमें देखिए यहाँ पे आपका यहां पे आपका एरर है यहाँ पे वॉक नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉकिंग हो जाएगा वॉकिंग आई लग जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या है गलत है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं आठवें नंबर पर आठवां नंबर हो गया है चलते है नौवे नंबर पे, नौवा नंबर में क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे कह रहा है सी हैड बिन टोल्ड बाई मेनी पीपुल डेट हर साइनी ब्लॉन्डी हेयर एंड ब्लू आइज मेड हर स्टैंड अप इन अ क्राउड देखिए सी हैड बिन टोल्ड बाई मेनी पीपुल उसे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उसका जो साइनी हेयर है और जो ब्लू आइज है उसे क्या करता है ना भीड़ से अलग करता है क्या करता है भीड़ से जो है अलग करता है तो इसका क्या हो जाएगा स्टैंड अप के स्थान पर क्या हो जाएगा ना यहाँ पे स्टैंड अप नहीं होता है इसकी जगह जो कहना चाह रहा है यहाँ पे आउट होना चाहिए स्टैंड आउट मतलब क्या करता है एकदम भिन्न करता है मतलब क्राउड से क्या करता है भिन्न करता है अलग करता है तो यहाँ स्टैंड अप नहीं होगा स्टैंड आउट हो जाएगा ठीक है तो आपका एरर कहाँ हो गया ऑप्शन नंबर सी में एरर हो गया अब देखिए सी हैड बिन टोल्ड बाई मेनी पीपुल डेट हर साइनी ब्लॉन्डी हेयर एंड ब्लू आइज मेड हर स्टैंड आउट इन अउड समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट चलते हैं दसवें नंबर क्वेश्चन दसवें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पैट्रिक रिस्ड इन टू द पॉकेट ठीक है पैट्रिक रिस्ड इन टू द पॉकेट ऑफिस ट्राउजर एंड पुल्ड आउट ट्वेंटी फाइव रुपीज ठीक है तो देखिये पैट्रिक जो है ना रिस्ड इन टू द पॉकेट अपने पॉकेट में गया क्या चाहिए ट्राउजर के ट्राउजर के और उसमें से क्या किया ट्वेंटी फाइव रुपीज़ निकाला ठीक है तो यहाँ ट्राउजर नहीं होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राउजर्स हो जाएगा यहाँ पे क्या लग जाएगा एस लग जाएगा ठीक है तो पैट्रिक रिज्ड इन टू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स ठीक है एंड पुल्ड आउट ट्वेंटी फाइव रुपीज़ तो एरर कहाँ हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे ट्राउजर की जगह क्या होगा ट्राउजर्स हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर क्या हो गया एरर हो गया तो इसे आप देख लेना है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेज आर गिवन विद द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपको भरना है फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन चार आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से चूज करके आपको क्या करना है भरना है चलिए अब देखिए क्या कह रहा है ग्यारह नंबर क्वेश्चन को देखें तो ग्यारह नंबर क्वेश्चन तो ग्यार में कह रहा है सी वॉज बोर्न सी वॉज बॉर्न डैश रिच पेरेंट्स रिच मीन क्या होता है अमीर परिवार अमीर परिवार ठीक है तो सी वॉज बॉर्न बॉर्न के साथ क्या लगेगा बॉर्न के साथ लगेगा ऑफ लगेगा क्या लगेगा बॉर्न ऑफ ठीक है बॉर्न ऑफ जिसका मतलब क्या होता है बॉर्न ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स इसका मतलब किसी परिवार में जन्म लेना तो सी वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स मतलब वो अमीर परिवार में क्या ली है जन्म ली है तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉरी डी आपका सही आंसर हो जाएगा बॉर्न ऑफ हो जाएगा ठीक है मीन्स परिवार में जन्म लेना कैसे परिवार में तो अमीर परिवार में चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व चिल्ड्रेन शुड ओबे चिल्ड्रेन शुड ओबे डैश पेरेंट्स ठीक है तो चिल्ड्रेन को अपने पेरेंट्स पेरेंट्स क्या होता है माता पिता परिवार की क्या मानना चाहिए ओबे मीनस होता है आज्ञा का मानना पालन करना तो ओबे के साथ क्या लगेगा ओबे their पेरेंट्स उसके पेरेंट्स उसके परि पेरेंट्स मतलब माता पिता के आज्ञा को मानना चाहिए किसको चिल्ड्रेंस को बच्चों को अपने माता पिता के बातों को मानना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए तेरह नंबर पे चलते हैं तेरह नंबर क्या कह रहा है द चिल्ड्रेन द चाइल्ड हैज़ बिन मिसिंग डैश यस्टरडे ठीक है यस्टरडे क्या कह, किसे कहते हैं एक दिन पहले वाले दिन को जैसे आज टुडे हो गया कल होगा टुमारो और आज के पहले वाले दिन को हम लोग क्या कहेंगे यस्टरडे कहेंगे द चाइल्ड हैज़ बिन मिसिंग चाइल्ड है जो बच्चा है वो क्या हो रहा है मिस हो रहा है मतलब ये नहीं मिल रहा है कब से यस्टरडे से ठीक है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या यूज होगा सिंस यूज यूज होगा कब से नहीं मिल रहा है तो सिंस हो जाएगा यहाँ पे ठीक है द चाइल्ड हैज़ बिन मिसिंग सिंस यस्टरडे सिंस का प्रयोग होगा यहाँ पे यस्टरडे के पहले टाइम पीरियड कह रहा है इसलिए आपका सिंस का प्रयोग होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं चौदह नंबर क्वेश्चन पे चौदह नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है सुगर है uncountable noun है जिसे गिन नहीं सकते ठीक है आई डू नॉट लाइक और जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा यहाँ पे आपका मच का प्रयोग होगा आई डू नॉट लाइक मच सुगर इन माई कॉफी मुझे क्या है आई डू नॉट लाइक मच सुगर इन माई कॉफ़ी ठीक है ये आपका सही हो जाएगा मच इज़ द राइट आंसर आपको याद रखना है फ्रेंड्स इसका चौदह का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चलते हैं पंद्रह नंबर क्वेश्चन पे तो पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है द बोर्ड रिजल्ट आर डैश एनी मूवमेंट मतलब बोर्ड रिजल्ट जो है ना आर कभी भी क्या हो सकता है आ सकता है मतलब आने की संभावना है किसी भी पल जो है बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आ सकता है तो आर एक्सपेक्टेड एनी मूवमेंट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा आर एक्सपेक्टेड एनी मोमेंट बोर्ड रिजल्ट कभी भी आ सकता है तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रह देते हैं आपके पंद्रह नंबर क्वेश्चन तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो ये सेशन चला है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इस तरह के वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा अगर आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिए फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ठीक है वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और प्रीवियसली मैंने ई एस आई सी एम टी एस पर बहुत सारे वीडियो बनाए अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके आप ज़रूर देख लें ठीक है चलिए धन्यवाद